नमस्कार, द इंडिया टॉक देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटा दिया गया है। पशु एवं मत्स्य विभाग के मंत्री थे मुकेश सहनी। लगभग 16 महीने कार्य करने के बाद उनको मंत्री पद से हटा दिया गया है। कारण तो आप सबको पता ही होगा कि मुकेश सहनी के 3 विधायक जो हैं वो भाजपा में शामिल हो गए और मुकेश सहनी के पास कुछ नहीं बचा, इसीलिए मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटा दिया गया है। भाजपा जदयू ने मिलकर राज्यपाल को इस्तीफे की सिफारिश की थी राज्यपाल से, राज्यपाल ने मंजूरी कर दी और उसके बाद मुकेश सहनी को इस्तीफा देना पड़ गया था। अब आपको हम बताते हैं मुकेश सहनी जिस बंगले में रह रहे हैं उस बंगले की रहस्य जो है वो भी आपको पता चल गया है कि क्या है उस बंगले का रहस्य, कैसे 3 से 4 मंत्री पहले भी 5 साल पूरा नहीं कर पाए। अवधेश कुशवाहा से लेकर आलोक मेहता हैं, फिर से मंजू वर्मा हैं, फिर से मुकेश सहनी हैं, ये सभी लोग 5 साल का जो कार्यकाल होता है मंत्री का, 4 साल का होता है, वो नहीं पूरा कर पाए हैं। अब मुकेश सहनी भी नहीं पूरा कर पाए, 16 महीने में ही मुकेश सहनी को पद से हटा दिया गया है। लेकिन मुकेश सहनी जिस आवास में रहते हैं, पहले इस आवास को देखिए कि कितने रुपए लगाकर मुकेश सहनी ने इस आवास को बनवाया है। पहले इस प्रोसेस को समझिए कि मंत्री के घर में अगर कोई दिक्कतें आती है या फिर विधायक के घर में कोई दिक्कत आता है तो वो भवन निर्माण विभाग को एक लेटर लिखता है कि मेरे आवास में ये दिक्कतें आ रही हैं, इसे सुलझा दिया जाए। तो भवन निर्माण विभाग आपको 2 ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन ये रहता है कि या तो हम टेंडर के जरिए उसको उस काम को करवा लेंगे, या तो उस काम को आप करवा लीजिए, जो पैसा लगेगा वो हम आपको दे देंगे। लेकिन पैसा भी लिमिट होता है, पैसों की लिमिट होती है और ये लिमिट उस समय तय किया जाता है कि आप कै टर्म तक मंत्री रह चुके हैं। अगर आप पहली बार मंत्री बने हैं तो आपको कुछ पैसे दी जाएगी, कुछ लागत लगाए। आपको याद होगा कि जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने अपने आवास पर अपने बंगले को, सरकारी बंगले को लगभग करोड़ों की लागत में लगाकर स्वर्ग की तरह बनाया था। लेकिन हुआ क्या, बंगला खाली करना पड़ गया। बंगले खाली करने के लिए कितना नौटंकी हुआ, यूपी वाला मामला याद होगा, टोटी चोरी का आरोप लगा अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो बंगले को अपनी अनुकूल बना दिया था, उसके बाद बंगला खाली करना पड़ा तो वहाँ की सभी टाइल्स हो, टोटी हो, सभी लेकर चले गए तो टोटी चोरी का आरोप लगा। अब मुकेश सहनी के इस बंगले को ध्यान से देखिए, आपको टी हाउस दिखेगा, मतलब पेड़ के ऊपर घर, पेड़ के ऊपर नहीं है, बीचों बीच एक घर बना हुआ है, ये टी हाउस है मुकेश सहनी का। जुम्बा सहनी सभागार बनाए, ये भी बड़ा और वो भी पूरे तरीके से पक्के का बना हुआ है जुम्बा सहनी सभागार। बात करेंगे जुम्बा सहनी का जो पुतला लगा हुआ है, ये तो नॉर्मली है, ये तो हट सकता है, लेकिन जुम्बा सहनी सभागार बना। और बंगले के ठीक बगल में अगर आप देखेंगे तो 2 फ्लोर का एक अभी भी भवन बन रहा है और उस भवन का कोई नाम निशान नहीं है कि वो किसका है, क्या है, क्या नहीं है, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। और ठीक जब आवास से बाहर आ पाइएगा तो जो फ्रंट गेट है उसको मुकेश सहनी ने बदलवा दिया है। मुकेश सहनी ने उस गेट को अपने अनुकूल बनाया है, गेट पर मछली का चित्र बना हुआ है जो कि बिल्कुल गलत है। गेट को आप नहीं बदलवा सकते हैं, ये एक प्रावधान है कि आप गेट को नहीं बदलवा सकते हैं, लेकिन मुकेश सहनी ने गेट को भी बदलवा दिया है। और जब वो मंत्री पद से हटा दिए गए हैं और जब वो बंगले को छोड़ कर जाएंगे तो उस गेट को निकलवाना पड़ेगा उनको, और उस गेट की जगह जो सरकारी गेट है उसे ही लगवाना पड़ेगा। और भी है कि मुकेश सहनी ने वहाँ जो भी मकान बनवाया है, 2-3 जो जुम्बा सहनी सभागार है या फिर उसके बंगले के ठीक बगल में एक और
बिल्डिंग बन रही है, अगर भवन निर्माण विभाग चाहे तो उसे तुड़वा सकती है। और बंगले के ठीक पीछे एक छोटा सा तालाब है, उस तालाब को भी मुकेश सहनी को भरवाना पड़ेगा। और लगभग करोड़ों की लागत में लगाकर मुकेश सहनी ने इस आवास को अपने रहने अनुकूल बनाया था। और क्या मुकेश सहनी ने भवन निर्माण विभाग से ये पूछा था कि इतना लागत हम लगा रहे हैं, क्या भवन निर्माण विभाग ने मुकेश सहनी को इजाज़त दी है कि आप इस अपने आवास को अपने घर जैसा बनवा ले? क्योंकि जब तेजस्वी यादव ने अपने आवास को अपने रहने अनुकूल बनवाया था तो न जाने कितना बवाल हुआ था, और खबरें आई थी कि आखिर इतना पैसा तेजस्वी यादव ने कहां से लगवाया है, और उस बंगले को सुशील मोदी को दिया गया था। अभी उस बंगले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद रह रहे हैं, लेकिन उस समय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे, तो तेजस्वी यादव ने अपने बंगले को अपने अनुकूल बनवाया था, तो बिहार की राजनीति गर्म हो गई थी और बिहार की राजनीति में यह चर्चा हो रहा था कि आखिर तेजस्वी यादव ने इतना खर्च किससे पूछ कर किया है। तो अब ये सवाल मुकेश सहनी पर भी उठेगा कि मुकेश सहनी ने इस बंगले को अपने अनुकूल बनवाया है तो किससे पूछ कर बनवाया है, क्योंकि 6 स्टैंड रोड में बहुत सारे बंगले आपको मिलेंगे, वो पूरा वीआईपी एरिया है, इलाका पूरा जो है वीआईपी इलाका है, आपको मुख्यमंत्री का आवास मिलेगा, उप मुख्यमंत्री का आवास मिलेगा, कई सारे आपको आवास मिल जाएंगे, राबड़ी देवी का आवास मिल जाएगा, लेकिन गेट बहुत कम लोगों का चेंज हुआ है और वो भी भवन निर्माण विभाग से पूछ कर चेंज किया जाता है। लेकिन मुकेश सहनी ने उस गेट को अपने अनुकूल चेंज किया और मछली का चित्र बनवाया और उसके बाद पूरे बंगले के इंटीरियर को भी चेंज करवा दिया। और देखिए कि अब देखने वाली बात ये होगी कि मुकेश सहनी जब इस बंगले को खाली करेंगे तो फिर क्या ये जो टी हाउस है या जुम्बा सहनी सभागार है या फिर एक और जो बगल में जो बंगले के बगल में जो बना हुआ है बिल्डिंग, वो क्या तोड़ दिया जाएगा या फिर मुकेश सहनी ही तोड़ देंगे उसको, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि करोड़ों की लागत में बने ये सभागार, ये टी हाउस और ये मकान क्या मुकेश सहनी छोड़ देंगे दूसरे के लिए? अगर छोड़ देंगे तो क्या भवन निर्माण विभाग जो है इसे तोड़ेगा या यूं ही रहने देगा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो अपने बंगलों को अपने अनुकूल बनाते हैं लेकिन भवन निर्माण विभाग की इजाज़त के बाद, या फिर भवन निर्माण विभाग उसका टेंडर करवाता है और किसी से बनवाता है, या तो फिर भवन निर्माण विभाग उस मंत्री से कहता है कि आप अपने बंगले को बना लीजिए, जो भी पैसा होगा भवन निर्माण विभाग दे देगा, लेकिन एक लिमिट होता है कि कितना पैसा खर्च करना है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख, करोड़ों का लागत आप नहीं लगा सकते हैं। अगर आप अपने मन से लगाते हैं तो उसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे, उसका नुकसान भी आप ही को सहना पड़ेगा। और मुकेश सहनी ने इस बंगले को बनाया तो क्या सोच के बनाया, ये भी एक सवाल है। क्योंकि मुकेश सहनी जो है 2 महीने के बाद उनका MLC का कार्यकाल है वो भी समाप्त हो जाएगा, और ऐसे भी अगर मुकेश सहनी के जो विधायक हैं वो अगर मुकेश सहनी के साथ रहते और उसके बाद मुकेश सहनी का कार्यकाल जो है 18 महीने का था और वो समाप्त हो जाता MLC का कार्यकाल 18 महीने, तो उसके बाद भी 6 महीने तक वो रह सकते थे पद पर। लेकिन क्या सोचकर मुकेश सहनी ने इस बंगले पर करोड़ों रुपए खर्च किया है, ये भी एक सवाल है। अब बस ये है कि मुकेश सहनी को पद से हटा दिया गया है और बहुत जल्द उनको ये बंगला खाली करना पड़ेगा। अब बंगला खाली करके मुकेश सहनी कहाँ जाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि MLC है मुकेश सहनी, MLC पद से इस्तीफा नहीं दिए हैं, लेकिन 2 महीने के बाद उनका MLC का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। अब देखने वाली बात ये है, मुकेश सहनी ने तो आज कह दिया है कि हम न्याय यात्रा करेंगे, बिहार के जनता के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि मेरे साथ कैसे धोखा हुआ है।
और ये पहली बार नहीं हुआ है जो मुकेश सहनी के साथ धोखा हुआ है। इसके पहले भी मुकेश सहनी महागठबंधन पर आरोप लगा चुके हैं कि महागठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो उनके पीठ पर छुरा घोंपने का काम किए हैं। और आज मुकेश सहनी एनडीए के सहयोगी दल भाजपा पर आरोप लगा रहे थे और कह रहे थे कि भाजपा ने भी मेरे साथ विश्वासघात किया है। तो अब देखने वाली बात यह है कि मुकेश सहनी अब क्या करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।